तो गाइज कैसे आप सब लोग। तो आज की वीडियो में बात करने वाले एफजी वर्जन 3 के कुछ प्रोज एंड कॉन्स के बारे में बात करने वाले, मतलब डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस के बारे में बात करने वाले बाइक की कुछ आस। तो सबसे पहले जो मेरे को अच्छी बातें लगी बाइक में वो है, मतलब एडवांटेजेस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जो नंबर वन पे जो मेरे को इसके एडवांटेजेस लगी तो वो है हेडलाइट। तो हेडलाइट बाइक की काफ़ी ज़्यादा ब्राइटनेस है, मतलब ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी है, हेडलाइट काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। नाइट में भी आप राइड करते हैं तो काफ़ी अच्छा मतलब कॉन्फिडेंस मिलता है आपको, मतलब काफ़ी अच्छी ब्राइटनेस है बाइक में यदि आप कंपैरिजन करें हॉर्नेट वगैरह से। तो जो सेकंड मेरे को एडवांटेजेस लगी इस बाइक में वो है पिकअप। बाइक का पिकअप काफ़ी अच्छा है, मतलब कि जैसे आप 0 to 90, 0 to 100 तक लेके जाते हो तो काफ़ी जल्दी, मतलब आपके 1 किलोमीटर से कम में ही आपको मिल जाती थी 0 to 100 की स्पीड। तो काफ़ी अच्छा पिकअप है बाइक में, इसमें कोई कहने की बात नहीं, मैंने आपको वीडियो भी दिखाई थी। और जो थर्ड पे मेरे को जो इसके एडवांटेज लगी तो वो है लुक। लुक से यार मतलब लुक काफ़ी ज़्यादा मस्कुलर है, काफ़ी अच्छा लुक दिया गया है बाइक को, बिल्कुल FC25 जैसा सेम भी नहीं है लेकिन हाँ लगभग वैसे ही दिखती है। तो इस सेगमेंट में सबसे मतलब 150cc की कोई भी बाइक यदि आप किसी से भी कंपेरिजन करें तो काफ़ी अच्छा लुक निकल के आता है FG वर्जन 3 का। और जो नेक्स्ट एडवांटेजेस मेरे को बाइक की लगी वो है टॉप स्पीड। टॉप स्पीड आपको काफ़ी अच्छी बाइक में मिल जाती है, मतलब 0 to 100 तो पता ही नहीं लगता कब में चली जाती है, मतलब काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलता है 0 to 100 तक। उसके बाद थोड़ी सी दिक्कत आती है, मतलब उसके बाद आपकी 125 तक तो इजीली चली जाती है यदि आप हाईवे पे चलाते हैं तो, सिटी रोड्स पे नहीं आएगी आपकी स्पीड। हाईवे पे चलाते हैं तो आपको 125 तक इजीली मिल जाती है स्पीड, यदि आप कंपेरिजन करें हॉर्नेट वगैरह तो उनसे काफ़ी अच्छी है मतलब इस मामले में बाइक। जो नेक्स्ट एडवांटेजेस मेरे को बाइक में लगी वो है बाइक में कॉर्नरिंग और कंट्रोल, मतलब ट्रैफिक में काफ़ी अच्छा कंट्रोल है बाइक का और कॉर्नरिंग पे आपको काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल जाता है बाइक में यदि आप कंपैरिजन करें और बाकी बाइक से अपाचे वगैरह, तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल जाता है आपको इस बाइक में, मतलब कॉर्नरिंग पे आपको काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलता है, मतलब कॉन्फिडेंस मिलता है एक अलग ही, मतलब तो उसमें आपको काफ़ी अच्छा लगता है कि हाँ बाइक में कंट्रोल काफ़ी अच्छा है, मतलब ट्रैफिक में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आती बाइक में। तो ये भी मेरे को काफ़ी अच्छी लगी इस बाइक में। तो अभी बात कर लेते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस के बारे में। तो सबसे पहले जो मेरे को इस बाइक में जो इशू लगा वो है माइलेज। माइलेज मतलब बाइक की नहीं है अभी, मतलब माइलेज ठीक ठाक है, मतलब ज़्यादा वो नहीं बोल सकते कि ज़्यादा बेकार है, क्योंकि फर्स्ट सर्विस से पहले सभी बाइक्स का यही हाल होता है, आफ्टर थर्ड सर्विस अच्छी आती है मतलब माइलेज, उसके बाद निकल के आती है बढ़िया माइलेज, लेकिन उससे पहले बेकार ही होती है, कुछ खास नहीं होती आपको। ये जो मैंने अपाचे ली थी तो उसमें मेरे को मिल रही थी फर्स्ट सर्विस से पहले जो 500 किलोमीटर मैंने चलाई थी तो उसमें मेरे को यही मिल रही थी 25 से 30 की माइलेज मिल रही थी, और वही हाल इस बाइक का है। इसमें आपको 30 to 35 तक मिल जाएगी माइलेज फर्स्ट सर्विस से पहले, लेकिन वो भी यार थोड़ी कम लग रही है मेरे को, क्योंकि 35 भी मैंने आपको हाईएस्ट बताई है, वरना 30 की ही मिल रही है। जैसे कि मैं बात करूँ, मैंने 1000 रुपये के तेल में मतलब 300 किलोमीटर चली है बाइक, तो यार काफ़ी कम निकल के आ रही है इसकी माइलेज। यदि मैं आपको बताऊँगा कैलकुलेशन करके तो आप भी हंसोगे। कहने का मतलब ये है कि थर्ड सर्विस के बाद में अच्छी माइलेज मिलती है किसी भी बाइक में, तो ये कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन अभी तक मेरे को लगा ये तो मैं वो आपको बता रहा हूँ। और जो सेकंड मेरे को इशू लगा बाइक में वो है इसकी स्टिकर क्वालिटी। जो आपके सस्पेंशन पे आप देख रहे होंगे यामा के जो स्टिकर होते हैं वो काफ़ी जल्दी उतर गए, एक ही मतलब वॉशिंग में उतर गए। जैसे मैंने एक वॉशिंग करवाई बाइक की मेरे फ्रेंड ने तो उसी पर ही उतर गए। अब पता नहीं ये दूसरे लगेंगे या नहीं लगेंगे, मैं कन्फर्म करूँगा शोरूम वालों से, लेकिन यार ऐसी बेकार क्वालिटी नहीं होनी चाहिए स्टिकर्स की किसी भी बाइक में। वैसे तो और तो बाइक्स में मैंने देखा नहीं, लेकिन मेरे को इस बाइक में काफ़ी जल्दी मतलब ये उतर गए स्टिकर, तो काफ़ी बेकार लगी मेरे को इस बाइक में ये बात। और जो लास्ट मेरे को जो बाइक में इशू लगा वो है फुटरेस्ट। आपको फुटरेस्ट नहीं मिलता, मतलब लेडीज़ वगैरह ईजिली नहीं बैठ पाएंगी इस बाइक पर, यदि मतलब कोई भी आपके फैमिली मेम्बर्स हैं तो वो ईजिली नहीं बैठ पाएंगे लेडीज़ वगैरह, तो उनके लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है बाइक में। और बात करूँ लेग गार्ड, तो लेग गार्ड भी कोई भी प्रॉपर नहीं बना FG वर्जन 3 के लिए। किसी बाइक में FG वर्जन 2 का लगाया जा रहा है तो किसी में किसी और का, तो जुगाड़ किए जा रहे हैं जैसे कि आप पिक्चर्स में देख सकते हैं, मतलब किसी बाइक में किसी का लगा दिया, किसी में किसी का लगा दिया, तो ये थोड़ी दिक्कत लगी, क्योंकि एक प्रॉपर होना चाहिए यार, तो इसका भी लुक भी अच्छा है बाइक का, जिससे ये नहीं होना चाहिए कि किसी का भी लगा दिया, कोई ऐसा तो बनना चाहिए था बाइक के लिए जिससे कि लुक काफ़ी अच्छा आए बाइक का, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। किसी में FG वर्जन 2 का लगाया जा रहा है तो किसी में सेलूटो का लगाया जा रहा है, पता नहीं किस किस का लगा रहे हैं, तो ये थोड़ी दिक्कत है बाइक में। तो बस और तो कुछ खास प्रॉब्लम नहीं आई बाइक में अभी तक, और कोई आएंगी तो मैं आपको फ्यूचर में आपको अपडेट करता रहूँगा। तो बस यही थे कुछ आज की वीडियो में, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।